हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसी जेल के बारे में। गाइस, आपने कई क्रीमों का यूज करा होगा जिससे हमारे स्किन पर काफी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। कई ऐसे प्रोडक्ट यूज करा होगा जिससे हमारे स्किन के ऊपर फायदा नहीं मिलेगा। वे हमारी स्किन की झाइयां हैं, जो हमारे स्किन के फाइन लाइन्स है, हमारे स्किन की जो उम्र के धब्बे बढ़ने वाले जो संकेत है। ठीक है गाइस, हमारे स्किन के धब्बे हैं, हमारे स्किन अच्छी तरह से ग्रोथ को नहीं बढ़ा पा रही। कई ऐसे क्रीमों का यूज कर गाइस आज के वीडियो में बात करूंगा। आपने इसकी वीडियो यूट्यूब पर देखी भी होगी और नहीं देखी तो गाइस आज की वीडियो बहुत अच्छा होने वाली। इस जेल का नाम स्टफ हेल्थ जेल, जो हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली। गाइस, ये हमारी स्किन पर किस तरह से कार्य करते हैं इस वीडियो में आगे मैं बात करूंगा। ये भी बताऊंगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, इसके यूज कर इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, पहले बात करता हूँ इस क्रीम के बारे में। गाइस, ये क्रीम हमारे स्किन के झाइयों को अच्छी तरह से मेंटेन रखने में फायदेमंद करता है। इसको तैयार इसलिए किया गया जो हमारे फाइन लाइंस है, हमारी स्किन को अच्छी तरह से मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज किया बिल्कुल अलग इंग्रेडिएंट्स यूज किया जो हमारे स्किन के लिए काफी हद तक फायदेमंद होते हैं। ठीक है, हमारे कोलेजन स्थिति को बढ़ाने में हेल्प करता है, हमारे जो मेलेनीकरण की जो प्रॉब्लम होती है उसको अच्छी तरह से फायदेमंद पहुंचाने में हेल्प करते हैं। कई ऐसी क्रीम आती है जो हमारे स्किन पर वर्क तो करते हैं लेकिन हमारी स्किन को रेडनेस करती है। ये हमारी स्किन को रेडनेस नहीं करती, हमारी स्किन को अच्छी तरह से लुक प्रदान करने में फायदेमंद करती है। इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किया मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, इसके अंदर विटामिन ए का उपयोग है। विटामिन ए हमारी स्किन के सतह को अच्छी तरह से मेंटेन रखता है। कौन सा भी अगर विटामिन ई इस प्रोडक्ट में होता है उसकी तेज असर दिखाता है, हमारी स्किन को अच्छी तरह से मेंटेन रखने के साथ साथ हमारे पर्यावरण प्रदूषण पीएच को संतुलित बनाता है। हमारे कोलेजन स्थिति को अच्छी तरह से मेंटेन। सिलिकॉन, गाइस इसके अंदर सिलिकॉन का भी उपयोग है। सिलिकॉन हमारे स्किन के लिए काफी तो फायदेमंद होता है, हमारे कौन से भी निशान दाग धब्बे उसको अच्छी तरह से रिमूव करने के लिए फायदेमंद होता है। इसके अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स भी यूज किए जो आपको स्किन पे मैं आपको बता दूंगा, स्किन पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, स्किन ग्रीसलिन का उपयोग किया गया। ग्रीसलिन काफी हद तक हमारे स्किन के झाइयों को हटाने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, देखो गाइस, मैंने इसके बारे में बात के लिए फिर भी आपको मैं बता देता हूँ इसके और अदर जानकारी। तो गाइस, इस क्रीम को अगर डिजाइन किया गया तो हमारे झुर्रियों को वह हमारे झाइयां उसको हटाने के लिए हमारी स्किन को, ठीक है, जितने हमारे स्किन को लाइटिंग नहीं होने लगे हमारे जो मेन रूप से हमारे झाइयों को ही अच्छी तरह से महफूज रखने में फायदेमंद होता है। जैसे कि हमारे फाइन लाइंस को हटाने में, हमारे उम्र के जो संकेत होता है उसको अच्छी तरह से मेंटेन रखने में। ठीक है ना, इसको इसके लिए ही तैयार किया गया है। बात करता हूँ उसके यूज के बारे में। कॉमन बात है, इसको नाइट में सोते समय यूज करना है। दिन में हम ठीक है, दिन में हम कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं इसलिए नाइट में सोते समय यूज करना। अच्छा कोई फेस वॉश हो जिससे आपकी स्किन को धोने के बाद उसके बाद यूज करना, सुबह उठने के बाद। ठीक है, सुबह उठने के बाद कोई अच्छा सनक्रीम यूज करना जिससे हमारी स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट दिखाने में फायदेमंद होगी। गाइस, ठीक है, बात करता है इसके बेनिफिट आपकी स्किन के लिए काफी हद तक फायदेमंद होने वाली ये जेल है। गाइस, इसके अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स यूज करेगी जो हमारी स्किन के लिए काफी हद तक फायदेमंद होंगे। ठीक है गाइस, ये हमारे झाइयों को लिए, हमारे फाइन लाइंस की प्रॉब्लम, हमारे स्किन के रिंगल्स को हटाने में फायदेमंद होगी। ठीक है, एंटीसेप्टिक के साथ कार्य करती है हमारी स्किन पे। तो आज के वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, चैनल नए तो सब्सक्राइब करना।